हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल सुदिति एडु टॉक। माई सेल्फ इंजीनियर अमित श्रीवास्तव, टुडे आई विल डिलीवर माई लेक्चर ऑन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th। बच्चों, आज इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस कैसे बनाई जाती है और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ये पूरा चैप्टर हम लोग दो पार्ट में प्रोड्यूस करेंगे, तो आपके सामने आज ये पहला पार्ट आ रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज यानी ऐसा चेंज जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ में एसोसिएट हो, तो ऐसे चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज किसी मैटर में, किसी सब्सटेंस में ऐसा चेंज जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के साथ में एसोसिएट हो, तो ऐसे चेंज को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। बच्चों, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल नहीं होता है, लेकिन आगे हायर क्लासेस में ये हम लोग जरूर पढ़ेंगे रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो बच्चों, इस आधार पे हम लोग डेली लाइफ में ये कुछ प्रोसेस मैंने लिखी हुई है और इस प्रोसेस को, इस आधार पर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो बच्चों, पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस अकरिंग इन आवर डेली लाइफ। ये कौन कौन सी प्रोसेस है? मेल्टिंग ऑफ आइस, एवापोरेशन ऑफ वाटर, डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, सोरिंग ऑफ मिल्क इन समर एंड बर्निंग ऑफ कोक इन एयर। तो बच्चों, जैसा कि देखने से लग रहा है कि इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा फिजिकल चेंज है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस में कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो आइस का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? H2O। वाटर का भी जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? H2O। और स्टीम का भी जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? H2O। सिमिलरली एवापोरेशन ऑफ वाटर, तो एवापोरेशन ऑफ वाटर इसमें कोई क्या नया सब्सटेंस बन रहा है, कोई नया कंपाउंड बन रहा है? नहीं, कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टेट चेंज हो रही है। आपको क्लास 9th में ये भी पढ़ाया गया था कि मैटर की मेनली 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये H2O की सॉलिड स्टेट है, आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब आइस का पिघलना। मेल्टिंग ऑफ आइस ये केमिकल चेंज नहीं है, ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है। अब आइए एवापोरेशन ऑफ वाटर, क्या ये केमिकल चेंज है? नहीं, ये केमिकल चेंज नहीं है, ये क्या है? फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट, डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, पानी में शुगर का डिसॉल्व होना, क्या ये केमिकल चेंज है? नहीं, ये केमिकल चेंज नहीं है। क्यों केमिकल चेंज नहीं है? क्योंकि जब शुगर वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो एक मिक्सचर बन रहा है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखें, सॉरिंग ऑफ मिल्क इन समर। समर में जब हम लोग कुछ समय के लिए दूध रख देते हैं तो दूध का जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट सॉर हो जाता है, खट्टा हो जाता है। और जब उसको हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वो दूध फट जाता है, तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से दूध फट जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मतलब किसी भी कंपाउंड का टेस्ट चेंज हो जाना, या उसका कलर चेंज हो जाना, या उसका टेम्परेचर चेंज हो जाना, और या उसके मॉलिक्यूलर लेवल में कोई चेंजेस हो जाना, ये क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं। बर्निंग ऑफ कोक इन एयर, कोक का एयर के प्रेजेंस में बर्न करना, जब हम कोक को एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं
तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और इस केमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि इसमें प्रोड्यूस हुई थी उस केमिकल रिएक्शन में, उसको वापस रिवर्स करके बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लोग कोक को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो रिएक्शन है ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है? केमिकल चेंज है। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या है, यहां पे क्वेश्चन उठता है, ठीक है ना? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और उस नए सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी प्रीवियस सब्सटेंस यानी पैरेंट सब्सटेंस ओरिजिनल सब्सटेंस से एंटायरली डिफरेंट होती है। आई बस समझ में? बच्चों आइए हम लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। द प्रोसेस The process in which new substances are formed with entirely different properties with respect to the original substances is called chemical reaction तो आइए इस डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू substances are formed with entirely different properties with respect to the original substances is called chemical reaction. तो ऐसी प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस से
एंटायरली डिफरेंट होती है, उस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आई बस समझ में? तो केमिकल रिएक्शन को ऐसे भी जान सकते हैं, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ऐसी प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज को इन्वॉल्व किया जाता है वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो आइए देखते हैं अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ प्रोसेसेस अकरिंग इन आवर डेली लाइफ। ये कौन कौन सी प्रोसेस है? टर्निंग ब्राउन ऑफ अ फ्रेशी कट एप्पल इन द एयर, फ्रेशी कट एप्पल का ब्राउन हो जाना एयर के प्रेजेंस में, ये केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जब इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर छोड़ दिया जाता है, एक्सपोज कर दिया जाता है, तो कुछ समय बाद इसके ऊपर एक लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। ये आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है जो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। आयरन ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है ये केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन भी केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग ऑफ फूड, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो बच्चों ये हम लोगों ने कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स समझे थे। अब हम लोग समझेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं केमिकल इक्वेशंस। The method of representing a chemical reaction केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड formulae of reactants and products is called केमिकल इक्वेशन, इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों पढ़ते हैं, द मैथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूली ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों यहां पे दो टर्म हम लोगों ने पढ़े, एक क्या है रिएक्टेंट और दूसरा क्या है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंसेस
the substances which are taken originally for a chemical change are called reactants. तो ऐसे सब्सटेंस जिनको ओरिजिनली जैसे वो है एज इट इज लिया जाता है किसी केमिकल चेंज में, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं. और केमिकल रिएक्शन के दौरान इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इंटायरली चेंज हो जाती है और ये क्या फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो आइए बच्चों हम लोग प्रोडक्ट के बारे में भी जानते हैं. प्रोडक्ट है क्या? प्रोडक्ट्स द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन are called products. तो ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं उन्हें हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं. किसी केमिकल इक्वेशन में दो पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, और दूसरा क्या है, राइट हैंड साइड पार्ट. लेफ्ट हैंड साइड में जनरली हम लोग रिएक्टेंट्स को लिखते हैं और राइट हैंड साइड में हम लोग प्रोडक्ट्स को लिखते हैं. जैसा कि मैंने इस केमिकल इक्वेशन में इस तरीके से लिखा है, ये है केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, जिसमें दो पार्ट है. लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट पे मैंने रिएक्टेंट को लिखा है और राइट हैंड साइड वाले पार्ट पे मैंने प्रोडक्ट को लिखा हुआ है. और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को मैंने जोड़ा है एक एरो से. ये एरो एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है. किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं. पहला तरीका क्या होता है, या तो उसको वर्ड के फॉर्म में लिखा जाए. केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो इसको वर्ड के फॉर्म में लिखा जाए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन. और दूसरा तरीका क्या होता है, जिसमें हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं, यानी रिएक्टेंट के फॉर्मूले, प्रोडक्ट के फॉर्मूले, या किसी एलिमेंट का सिंबल उसमें यूज किया जाता है और उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ में जोड़ा जाता है. तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया था. तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस के
examples. Burning of magnesium ribbon in the presence of air. जब magnesium ribbon को in the presence of air burn किया जाता है तो ये white color की dazzling light को produce करता है. मतलब जब इसको burn किया जाएगा तब white color की dazzling light produce होगी. और ये जो magnesium होगा ये oxygen के साथ में reaction करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा. अब इस केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं. तो मैग्नीशियम है मैग्नीशियम एक मेटल है एक एलिमेंट. और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन होता है. तो यानी जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में. मैग्नीशियम ऑक्साइड में. ठीक है ना. मैग्नीशियम को जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न किया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में. तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसे हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन. आइए केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे. हमें यहाँ पे मैग्नीशियम का सिंबल यूज करना पड़ेगा. यहाँ पे ऑक्सीजन एक कंपाउंड है तो इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. और जब हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका हम लोगों को फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. आइए देखते हैं. मैग्नीशियम इसका सिंबल होता है Mg. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने पता है कि ऑक्सीजन क्या होता है? एक कंपाउंड है. ठीक है ना. यहां पे मैं ऑक्सीजन कंपाउंड यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं. मैं यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूँ? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ. और ये जब किससे रिएक्शन करेगा? मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? MgO. क्या बनाएगा बच्चों? MgO. क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी एलिमेंट का ना तो मास डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है. हर केमिकल इक्वेशन में ये बात लागू होती है. आइए देखते हैं. यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है और यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है. लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन के यहाँ पे दो एटम है क्योंकि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? ऑक्सीजन के दो एटम है. एक एटम ये और एक एटम ये. ऑक्सीजन के दो एटम्स, ऑक्सीजन एलिमेंट के दो एटम्स एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड करके O2 एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं. लेकिन यहां पे क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन का एटम रह गया. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, दोनों साइड को हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे. अब यहाँ पे देखिए O2 है तो यहाँ पे सिंपली हम लोग 2 लगा दें और यहाँ पे हम लोग सिंपली 2 लगा दें तो ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. यहाँ पे ये क्या हो गया? मैग्नीशियम. तो इस सिंबल के नीचे हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं मैग्नीशियम. ठीक है ना. और इसके नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग? ऑक्सीजन. और यहां पे क्या हुआ? इसे हम लोग कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड. और यहां पे क्या प्रोड्यूस हुई थी? लाइट प्रोड्यूस हुई थी, व्हाइट कलर की डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस हुई थी. डेजलिंग मतलब होता है चकाचौंध कर देने वाला. डेजलिंग का मतलब क्या होता है? चकाचौंध कर देने वाला.
मतलब इतनी ज्यादा वाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस हुई थी इस केमिकल रिएक्शन के दौरान कि जो हमारी आंखें थे वो चकाचौंध हो गई थी। आई बस समझ में? तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करने का तरीका, यहाँ पे मैंने वर्ड इक्वेशन भी लिख रखा है और यहाँ पे हमने केमिकल रिएक्शन को भी लिख रखा है। आइए देखते हैं कुछ और केमिकल रिएक्शन। दूसरी केमिकल रिएक्शन रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड केमिकल रिएक्शन हम लोग देखते हैं लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में कैसी केमिकल रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले इसको वर्ड फॉर्म में हम लोग लिख लें, लेड नाइट्रेट ये एक तरीके का सॉल्यूशन है, कलरलेस सॉल्यूशन, और इस कलरलेस सॉल्यूशन में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का दूसरा सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। तो क्लियरली आप देख सकते होंगे यहां पे कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड यहां पे दोनों मिक्स हो रहे हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों यहां पर मिक्स हो रहे हैं, और मिक्स होने के बाद में इनके बीच में क्या होगी, एक केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद में ये क्या बनेगा, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड इक्वेशन कहेंगे। इसके पहले वाले एग्जाम्पल भी मैंने बताया था कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड इक्वेशन कहेंगे। लेकिन हमें क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके सिंबल्स लिखने होंगे, इनके फॉर्मूले लिखने होंगे। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का NO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Ki। अब इन दोनों के बीच में क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी और हमारे पास में प्रोडक्ट बनेगा, फिर प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा, वो प्रोडक्ट क्या होंगे, PbI2, और PbI2 को हम लोग क्या कहते हैं, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अब इधर देखिए ये क्या है हमारा, रिएक्टेंट, और ये क्या है हमारे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स ये जो केमिकल रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन है, और डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन,
ये सारे जो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हैं हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम लोगों के पास में क्या पढ़ना था, केमिकल रिएक्शन पढ़ना था और उसके इक्वेशंस पढ़ने थे। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, आइए चेक करते हैं। यहाँ पे देखो लेड का एक एटम है पीबी, यहाँ पे देखो लेड का एक एटम है पीबी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखो एनओ थ्री दो है, यहाँ पे देखो एनओ थ्री सिर्फ और सिर्फ एक है, यहाँ पे पोटेशियम एक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आयोडीन दो है, यहाँ पे आयोडीन एक है, यहाँ पे आयोडीन दो है। तो सबसे पहले आयोडीन को बैलेंस कर लें, तो आयोडीन यहाँ पे एक है लेकिन यहाँ पे हम लोग दो लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो आयोडीन हो गया, दो आयोडीन बिल्कुल ठीक है, एक लेड था, ये दोनों टर्म बिल्कुल सही हो गया, आई बस समझ में। लेकिन अब हमारे पास में क्या है, दो पोटेशियम बचा है लेकिन यहाँ पे सिंगल एक पोटेशियम है, और यहाँ पे दो नाइट्रेट थे, यहाँ पे एक नाइट्रेट है, तो मैं यहाँ पे दो लिख दूँ, टू लिख दूँ, तो ये केमिकल इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस होगी, जिसमें नंबर ऑफ एटम हर एक एलिमेंट के इक्वल होंगे एक दूसरे के, यानी प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम है किसी एलिमेंट के उतने ही नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में भी हैं, जितने प्रोडक्ट साइड में है उतने नंबर ऑफ एटम उतने रिएक्टेंट साइड में भी हैं अलग अलग एलिमेंट्स के। आइए देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा कैसे बैलेंस किया जाता है। दूसरी केमिकल रिएक्शन देखेंगे हम लोग, तीसरी केमिकल रिएक्शन हमारे पास में क्या है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो इसको मैंने वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, बेरियम क्लोराइड यहां पे लिखा हुआ है और ये हमारा सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन के बाद हमें जो रिजल्ट मिला है एज अ प्रोडक्ट वो क्या है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन था किसी केमिकल रिएक्शन का उसे हम लोगों ने क्या कहा था, वर्ड इक्वेशन कहा था। अब इसे हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं, इनके बीच में आयन्स एक्सचेंज होंगे, वही डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन है, क्या बनेगा, BaSO4 प्लस NaCl, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो अब चेक करेंगे कि हर एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल है या नहीं है। यदि ये इक्वल होंगे तब ये बैलेंस इक्वेशन होगी, बैलेंस इक्वेशन होगी तब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी, अगर ये बैलेंस इक्वेशन नहीं होगी, अनबैलेंस इक्वेशन होगी, स्केलेटल इक्वेशन होगी, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी। तो इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करना बिल्कुल जरूरी है, मैंडेटरी है। आइए देखते हैं बच्चों, यहां पे बेरियम का एक एटम है, यहां पे बेरियम का एक एटम है, बिल्कुल सही है, सल्फर का यहां पे एक एटम है, सल्फर का एक एटम यहां पे भी है, ऑक्सीजन के चार एटम यहां पे हैं, ऑक्सीजन के चार एटम यहां पे हैं, और क्या बना कंपाउंड का फॉर्मूला, BaSO4 जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट कहते हैं। आइए देखते हैं, सोडियम के यहाँ पे दो एटम है और यहाँ पे क्लोरीन का दो एटम है, लेकिन
यहाँ पे सोडियम का एक एटम रह गया है और क्लोरीन का एक एटम रह गया है, यानी कि यहाँ पे सिंपली हम 2 लिख दें तो क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस 2NaCl। अब चेक करते हैं, बेरियम का एक एटम, बेरियम का एक एटम ठीक है, बिल्कुल सही है। सल्फर का एक एटम, सल्फर का एक एटम बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन का 4 एटम यहाँ पे है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के 4 एटम है, बिल्कुल ठीक है। सोडियम के 2 एटम है, देखो Na2 2 एटम है सोडियम के यहाँ पे, अब यहाँ पे सोडियम के 2 एटम हो गए। क्लोरीन का यहाँ पे देखो Cl2 2 एटम है, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना रह गया, 2 रह गया, 2NaCl। तो यानी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। जब ये बैलेंस इक्वेशन हो गई तो इक्वेशन क्या हो गई, सही हो गई। तो इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना बिल्कुल जरूरी है। अभी तक हम लोगों ने ये जाना केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने ये भी जाना कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एक एरो के द्वारा लिंक किया जाएगा और इससे एक केमिकल इक्वेशन बनेगी, और केमिकल इक्वेशन दो तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में और सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में, सिंबल्स और फॉर्मूले के टर्म्स में। कुछ हम लोगों ने केमिकल इक्वेशंस बनाई भी यहाँ पे, उसके वर्ड फॉर्म को भी लिखा और उसके और उसे फॉर्मूले और सिंबल्स के फॉर्म में भी लिखा। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे और इस टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके द्वारा ये पहचाना जा सके कि वहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास में, चेंज इन कलर, सिस्टम के चेंज में कलर हो, सिस्टम के कलर में चेंज होना। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होना। चौथा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी गैस का इवॉल्व होना केमिकल रिएक्शन के दौरान। और पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाना या सिस्टम का टेम्परेचर घट जाना। तो इसके हर एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक ये बताते हैं कि किसी सिस्टम में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो बच्चों पहले जो मैं टर्म का यूज कर रहा हूं सिस्टम, आगे चल के बहुत काम आने वाला है सिस्टम। ये कोई केमिकल सब्सटेंस होगा या केमिकल कंपाउंड होगा जिसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अपने आप को हम लोगों ने फोकस किया हुआ है। ऐसा केमिकल सब्सटेंस या केमिकल कंपाउंड जिसके ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो केमिकल सब्सटेंस या केमिकल कंपाउंड क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। आइए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो किसी केमिकल रिएक्शन में जब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो ये बताता है कि वो सिस्टम, उस सिस्टम में क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। अब यहां क्वेश्चन उठता है कि प्रेसिपिटेट क्या है। बच्चों इनसॉल्युबल सॉलिड को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्लास 9th में हम लोगों ने मिक्सचर पढ़ रखा था। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में सॉलिड कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता था और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सॉलिड कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाता था। लेकिन ये कोई मिक्सचर के बारे में यहाँ पे बातचीत तो नहीं हो रही है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बारे में बातचीत हो रही है। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में जब इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाए, यानी ऐसा सॉलिड जो उस सॉल्यूशन में, उस सिस्टम में डिसॉल्व ना हो,
तो उस इनसॉल्युबल सॉलिड को हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन कलर, सिस्टम के कलर में चेंज हो जाना। सिस्टम के कलर में चेंज होना मतलब, सपोज करो किसी सिस्टम का कलर ब्लू था और केमिकल रिएक्शन होने के बाद में उसका कलर ग्रीन हो गया, तो उससे क्या पता चलता है कि उस सिस्टम में केमिकल चेंज हुआ है, यानी वहां पे केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई है। आगे चलते हैं, चेंज इन स्टेट। तो बच्चों हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई चेंज इन स्टेट होना, यदि केमिकल रिएक्शन है और किसी केमिकल चेंज को इंडिकेट करता है, तो किसी फिजिकल चेंज में भी तो चेंज इन स्टेट होता है। वाटर से आइस बनना, ये भी तो चेंज इन स्टेट है। आइस से वाटर का बनना, ये भी क्या है, चेंज इन स्टेट है। वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होना, ये भी क्या है, चेंज इन स्टेट है। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है? नहीं, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि ये केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी स्टेट में जो चेंजेस हुए हैं ये चेंजेस रिवर्सिबल है, यानी स्टीम से वापस वाटर हमें मिल सकता है। आइस से वाटर बना तो वाटर से आइस मिल सकता है, वाटर से आइस बना तो आइस से भी वाटर बन सकता है। तो ये जो चेंजेस हुए थे रिवर्सिबल चेंजेस हुए थे स्टेट में, इसलिए हम लोगों ने यहां पे इस चेंज ऑफ स्टेट को क्या कहा था, फिजिकल चेंज कहा था। लेकिन बच्चों जब हम लोग केमिकल रिएक्शन में चेंज इन स्टेट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ऐसे चेंज इन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे जो कि इरिवर्सिबल होंगे, जिससे हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स करके उस ओरिजिनल कंपाउंड को, ओरिजिनल सब्सटेंस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करेंगे बच्चों इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होना। तो इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, कि किसी केमिकल रिएक्शन में गैस यदि बाहर निकलती है, किसी केमिकल रिएक्शन में गैस यदि बाहर निकलती है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वहां पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं और वो सिस्टम केमिकल रिएक्शन से गुजर रहा है। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करेंगे चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज हो जाना। तो टेम्परेचर का बढ़ जाना या टेम्परेचर का घट जाना, फिजिकल चेंजेस में हम लोग पढ़ते थे, कंडेंसेशन प्रोसेस को हम लोगों ने पढ़ा है, सब्लिमेशन प्रोसेस को हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने एवापोरेशन पढ़ा है हम लोगों ने। तो ये जो चेंजेस थे ये क्या थे, फिजिकल चेंजेस थे। हम लोग केमिकल चेंजेस के बारे में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके की केमिकल रिएक्शन होगी टेम्परेचर में चेंज होने के कारण, एक होगी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और एक होगी एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो एक्सो मतलब क्या होता है कि किसी चीज का इवॉल्व होना, और एंडो मतलब होता है कि किसी चीज का एंड होना, किसी चीज को एब्जॉर्व कर लेना, किसी चीज को अपने अंदर छुपा लेना, इस कॉल्ड व्हाट एंडो, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर दो तरह की केमिकल रिएक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। आइए हम लोग हर एक केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ें और हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल से जानें और इसके बेसिस पे कुछ केमिकल रिएक्शन को सॉल्व भी करें, कुछ केमिकल रिएक्शन को हम लोग लिखें भी। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन, किसी केमिकल रिएक्शन में प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन। तो हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है AgNO3 प्लस NaCl की, यानी सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो
क्या बनाएगा? सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? NaNO3। इसके नीचे लिख लेंगे सोडियम नाइट्रेट, और इसके नीचे क्या लिख लेंगे? सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है हमारा? सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारा सोडियम क्लोराइड। तो AgCl जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है हमारा? सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट। सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। और सिल्वर क्लोराइड क्या होगा हमारा? व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन। तो बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट, BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा 2NaCl। इसके नीचे लिख लेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और इसके नीचे लिख लेंगे हम लोग बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट क्या होता है? ये व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है। तो प्रिसिपिटेट को हम लोग एब्रीवेशन फॉर्म में कैसे ले सकते हैं? PPT। BaSO4 क्या होता है? व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है। और यहां पे सिल्वर क्लोराइड क्या होगा? व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होगा ऊपर वाली इक्वेशन में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये हमारा लेड नाइट्रेट किसके साथ रिएक्शन करे? पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। तो यहां पे लिखना जरूरी होता है, क्या लिखेंगे? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। और इसके नीचे क्या लिख लें हम लोग? पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? लेड आयोडाइड PbI2 प्लस क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट। इसे हम लोग क्या कहेंगे? 2KNO3। इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं लेड आयोडाइड, और यहां पे इसके नीचे लिखेंगे हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना। तो ये लेड आयोडाइड क्या है? ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, येलो कलर प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेट ऑफ येलो कलर। तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहां पे होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग आते हैं। तो आइए हम लोग दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के पास चलते हैं, और ये क्या है? चेंज इन कलर। सम केमिकल रिएक्शंस आर आइडेंटिफाइड बाय चेंज इन कलर। तो कुछ केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई की जाती हैं चेंज इन कलर के द्वारा। हमारे पास में ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन ले रखा है। उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की स्ट्रिप को जब हम लोग प्लेस कर देते हैं
तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं हम लोग आयरन सल्फेट, और कॉपर जो होता है वो अपने सॉल्यूशन से डिस्प्लेस हो जाता है। बच्चों ये एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है, इसके सॉल्यूशन का जो कलर होता है, ध्यान रखेंगे इसके सॉल्यूशन का, एक्वस सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू कलर, ब्लू कलर का एक्वस सॉल्यूशन होता है। और जब इसमें आयरन की स्ट्रिप प्लेस कर दी जाती है तो आयरन क्या करता है, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग मेटल रिएक्टिविटी का सीरीज पढ़ेंगे। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग ये जानेंगे कि कौन से मेटल हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं और कौन से मेटल लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उनके सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर देते हैं, जैसा कि इस इक्वेशन में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और ये जो सॉल्यूशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। और जो कॉपर था वो आयरन स्ट्रिप पे आकर के एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया, डिपॉजिट हो गया। और इस सॉल्यूशन का जो कलर था वो कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, और किस कलर का हो गया, लाइट ग्रीन कलर का हो गया, लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। किसके किसके बीच में हुई है केमिकल रिएक्शन, कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई है, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन का कलर क्या हुआ है, चेंज हो गया है। आगे चलते हैं बच्चों हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, और दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है ड्यू टू द चेंज इन कलर, कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा चेंज इन कलर के बेसिस पे। आइए नेक्स्ट है हमारे पास में, इसी में दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग। हमारे पास में वही लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki, और ये क्या बनाएगा बच्चों, PbI2 जो कि लेड आयोडाइड है, और ये बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेड आयोडाइड, ये क्या होता है, येलो कलर का प्रिसिपिटेट होता है, येलो कलर प्रिसिपिटेट। इस येलो कलर के प्रिसिपिटेट के मौजूद होने के कारण सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो येलो कलर हो जाता है, यहाँ पे कलर में चेंजेस आ जाते हैं। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो ये केमिकल रिएक्शन है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में, इनके बीच में क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है, जिसकी वजह से क्या बना है, लेड आयोडाइड बना है, पोटेशियम नाइट्रेट बना है। आगे चलते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन में। बच्चों एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एसिडिफाइड करते हैं, इसके सॉल्यूशन को एसिडिफाइड करते हैं।
इसके जब इसके सॉल्यूशन को जब हम लोग एसिडिफाइड करते हैं, तो एसिडिफाइड करने के लिए हमें एसिड की कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे एसिड की कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, और ये एसिड कौन सा ले रहा हूँ मैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ले रहा हूँ। अब H2SO4 और K2Cr2O7 दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब इसमें क्या ऐड कर दिया जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया जाएगा, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड हो जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कर दी जाए, इसके सॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कर दी जाए, तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या मिलता है, K2SO4 प्लस Cr2 SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। तो रिएक्टेंट में क्या क्या था, पोटेशियम डाइक्रोमेट था, H2SO4 था, और साथ में क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी जो इसके एसिडिफाइड सॉल्यूशन में पास की गई थी। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को इसके ऑरेंज कलर के सॉल्यूशन में पास करेंगे, तो इसके ऑरेंज कलर के सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो चेंज हो करके ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है, और उस कलर के चेंज के कारण इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यह इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसमें ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में चेंज हो जा रहा है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन जो होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए, तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दो पोटेशियम है, पोटेशियम का दो एटम है, यहाँ पे देखिए पोटेशियम के दो एटम है, यहाँ देखिए क्रोमियम के दो एटम है, यहाँ पे देखिए क्रोमियम Cr के दो एटम है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 7 ये हो गया, और 4 ऑक्सीजन ये है, 7 ऑक्सीजन ये, और 4 ऑक्सीजन ये, और 3 2 6, टोटल ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 17 एटम हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम गिनिए, 4 ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे है, और 4 3 12, ऑक्सीजन का एटम ये है और 1 ऑक्सीजन का एटम ये है। तो 4 और 12 कितना हो गया, 16, और 16 और 1 17, तो ऑक्सीजन के एटम भी यहाँ पे बैलेंस हो चुके हैं। बच्चों सल्फर के बारे में बातचीत करें तो 1 सल्फर का एटम यहाँ पे और 3 सल्फर के एटम यहाँ पे, मतलब 4 सल्फर के एटम होने चाहिए। देखिए बच्चों 3 सल्फर ये हो गया, स्त्री के कारण देखिए सल्फर का 3 एटम हो गया, और 1 सल्फर का एटम ये हो गया, तो टोटल मिला के यहाँ पे 4 सल्फर के एटम हो गए। देखा जाए तो ये केमिकल रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है, और ये बिल्कुल करेक्ट केमिकल रिएक्शन है। तो दो पार्ट हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं। ये इसका सी पार्ट है, चेंज इन स्टेट। सम केमिकल रिएक्शंस आर आइडेंटिफाइड बाय चेंज इन स्टेट। कुछ केमिकल रिएक्शंस कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, जब उसके स्टेट में चेंज होता है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है जब उनके स्टेट में चेंजेस होते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि व्हेन वैक्स बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर
it convert it converts into carbon dioxide and water vapor. वाटर वेपर. तो यहां पे देखें वैक्स क्या होता है, बेसिकली एक सॉलिड होता है. जब वो एयर के प्रेजेंस में बर्न होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और वाटर वेपर में. कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर ये दोनों क्या है, गैसियस स्टेट है. और यहां पे देखें वैक्स क्या है, सॉलिड स्टेट है. तो चेंज इन स्टेट का ये केस है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है और इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा रहा है, इसके स्टेट में चेंज होने के कारण इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन है. तो बच्चों यहां पे जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा था कि फिजिकल चेंज में भी जो है चेंज इन स्टेट होता है, तो उसके चेंज इन स्टेट में और इसके चेंज इन स्टेट में क्या डिफरेंस है, आइए मैं आपको बताता हूं. उसका चेंज इन स्टेट मैंने बताया था रिवर्सिबल होता है, इसका चेंज इन स्टेट रिवर्सिबल नहीं होता. उसमें क्या होता है कि एक ही रिएक्टेंट होता है और एक ही प्रोडक्ट होता है, यानी वाटर से कन्वर्ट होकर के जो हमारा आइस बना उसमें भी वाटर के ही मॉलिक्यूल है, यानी H2O भी, H2O किसमें है, आइस में भी है और वाटर में भी है. और यहाँ पे देखें कि वैक्स किसमें कन्वर्ट हो गया, दो बाई प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया. एक किसमें चेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ, दूसरा वाटर वेपर में चेंज हुआ. तो यहाँ पे एक सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ, दो गैसेस में कन्वर्ट हुआ, इसलिए ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया. बच्चों केमिकल चेंज हो गया, और जो कि ये बताता है कि ये केमिकल रिएक्शन है जब वैक्स को एयर के प्रेजेंस में हम लोग बर्न करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. बच्चों एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, वो दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है कि जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ठीक है. पेट्रोल वन पेट्रोल बर्न्स in the presence of air it converts into carbon dioxide and heat. And some other gases are also evolved. तो यहाँ पे basically देखें कि जब petrol को हम लोगों ने in presence of air burn किया, तो ये किस में convert हो गया? Carbon dioxide gas में हो गया. Gases form में convert तो हुआ. सारी gases को हम लोग combine कर दें, तो इसका original form इसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं. यानी इसको reverse direction में हम लोग ले नहीं जा सकते हैं. इस chemical reaction को हम लोग reverse नहीं कर सकते हैं, वापस पेट्रोल को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं. इसलिए क्या हो गया, इसका जो चेंज इन स्टेट है, यहाँ पेट्रोल को देखोगे तो पेट्रोल बेसिकली क्या है, यहाँ पे लिक्विड है और ये किस में चेंज हुआ, गैसेस में चेंज हो गया है. तो इस वजह से देखा जाए तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, गैसेस में कन्वर्ट हुआ, चेंज इन स्टेट का केस है. लेकिन इरिवर्सिबल है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है. ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कौन सा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा. और क्या बताएगा ये कि ये केमिकल रिएक्शन है. आइए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं हम लोग. ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस. सम केमिकल रिएक्शंस आर आइडेंटिफाइड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस. कुछ केमिकल रिएक्शंस को गैस के इवॉल्व होने के कारण आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये केमिकल रिएक्शन है. यानी कोई केमिकल रिएक्शन गैस की इवोल्यूशन के कारण आइडेंटिफाई की जाती है. तो
तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस को जानते हैं जिसमें गैस इवॉल्व होती है। तो बच्चों, मेटल्स जिसमें आप लोग जानते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, दीज ऑल आर मेटल्स। मेटल्स की आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे हम लोग। तो ये मेटल्स क्या करते हैं, जब एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वहां से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। इसमें से कुछ रिएक्शन हम लोग देखते हैं। ग्रैनुलेटेड जिंक देखते हैं हम लोग, जिंक। और कौन सा जिंक लेंगे हम लोग, ग्रैनुलेटेड। ये ग्रैनुलेटेड का मतलब क्या होता है, ग्रैनुलेटेड का मतलब होता है दानेदार, छोटा छोटा, ठीक है ना। मतलब बड़ा हमें जिंक नहीं लेना है, जिंक हमें छोटे छोटे पीसेस में लेना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टर्म यूज कर लिया है ग्रैनुलेटेड जिंक, ग्रैनुलेटेड जिंक। अब सामने कोई भी डाइल्यूट एसिड होना चाहिए, H2SO4। हमारे पास में ये कौन सा एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा चैप्टर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कंसंट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं और डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं और वीक एसिड कौन से होते हैं। अभी हम लोग ये जानते हैं कि ये डाइल्यूट एसिड होता है, इसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, और जब ये रिएक्शन करेगा किसी मेटल से, और जिंक क्या है, एक मेटल है, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो खुद हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, और हमारे पास जो नया कंपाउंड होगा उसका नाम होगा जिंक सल्फेट, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस होगी वो इवॉल्व होगी। और जो गैस इवॉल्व होती है उसके बगल में हम लोग एरो का साइन लगा देते हैं, और ये एरो का साइन ये बताता है कि यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटल के कार्बोनेट्स, मेटल के कार्बोनेट्स बेसिकली क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, ये भी हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट में कवर करेंगे। यहाँ पे बस खाली मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मेटल का कार्बोनेट, सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है, और कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है, और इसकी वैलेंसी क्या होती है, -2 होती है। बच्चों क्रिस क्रॉस मैथड हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में, और वहां पे ये देखा था कि इसके केमिकल फॉर्मूले को हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, और हमारा फॉर्मूला होगा सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 जब किसके साथ में रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा। ये हो गया एसिड और ये क्या हो गया हमारा, मेटल कार्बोनेट। तो जब मेटल कार्बोनेट डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो ये हो जाएगा हमारा Na2
SO4, Na2SO4 क्या है, एक सॉल्ट है जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे बनेगा वाटर H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। तो क्लियरली आप देख रहे होगे यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस केमिकल रिएक्शन में इवॉल्व हो रही है, जिस केमिकल रिएक्शन में मेटल कार्बोनेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, जिसके कारण क्या बन रहा है हमारा, सोडियम सल्फेट बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। इस सीरीज में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की इस सीरीज में यह हमारा लास्ट टॉपिक है, चेंज इन टेम्परेचर। आइए देखते हैं, केमिकल सम केमिकल रिएक्शंस आर आइडेंटिफाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस आइडेंटिफाई की जाती हैं चेंज इन टेम्परेचर के द्वारा। अब टेम्परेचर में चेंजेस कैसे आते हैं, या तो हीट इवॉल्व होगी या तो हीट एब्जॉर्ब होगी। जब हीट इवॉल्व होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, और जब हीट एब्जॉर्ब हो जाती है किसी केमिकल कंपाउंड के द्वारा, किसी केमिकल सिस्टम के द्वारा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हीट उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक, जहां पे हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती है वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। आइए एक चीज और जानते हैं, जिस केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब क्या होता है, किसी चीज का रिलीज होना, किसी चीज का रिलीज होना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सो। और थर्मिक का मतलब हीट, थर्म मतलब होता है हीट, मतलब हीट का रिलीज होना यानी हीट का इवॉल्व होना। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, हीट रिलीज हो, उसे हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और ऐसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब कर ली जाए, यानी एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो। एंडो मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब करना, ठीक है, किसी चीज को कंज्यूम करना, इज कॉल्ड एंडो। और थर्मिक मतलब क्या होता है, हीट। थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या की जाए, एब्जॉर्ब कर ली जाए। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या की जाए, एब्जॉर्ब कर ली जाए, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और इसकी एक केमिकल इक्वेशन भी लिखते हैं। The chemical reaction in which heat is evolved, the chemical reaction in which heat is evolved is called exothermic chemical reaction, exothermic chemical reaction।
केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों ये हमारा लास्ट टॉपिक है चेंज इन टेम्परेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। सम केमिकल रिएक्शंस आर आइडेंटिफाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई की जाती हैं टेम्परेचर में चेंज होने के कारण। तो इसमें दो तरह की केमिकल रिएक्शन हमारे पास आती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और दूसरी क्या है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, वाटर में जब इसको हम लोग डिजोल्व करते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग स्लैक लाइम भी कहते हैं। इसमें हीट इवॉल्व होती है जिसके कारण बीकर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बीकर थोड़ा सा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड बी ए ओ एच का होल ट्वाइस प्लस अमोनियम क्लोराइड एन एच फोर सी एल प्लस हीट, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या बनाएगा बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और जो बीकर का टेम्परेचर होगा फाइनली डिक्रीज कर जाएगा। बच्चों आप लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को सुदिति एडु टॉक को, और अच्छा सा कमेंट करें। बच्चों होम में रहें, घर पे रहें, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच ये लेक्चर देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।